Hello students, in today's video I am going to continue our last topic. The topic was from silk moth to silk worm. इसमें हमने पढ़ा था सिल्क फार्म में फीमेल सिल्क मोथ को एक सेपरेट बैग में रखा जाता है जिसको केयरफुली डिसइनफेक्ट किया जाता है. हर एक मोथ करीब करीब 200 से 500 एग्स ले करती हैं. इनमें से कुछ एग्स को प्रिजर्व किया जाता है रिप्रोडक्शन के लिए एंड कुछ को रखा जाता है सिल्क प्रोडक्शन के लिए. जिन एग्स को सिल्क प्रोडक्शन के लिए चूज़ किया जाता है उनको वॉश किया जाता है एंड उसको इनक्यूबेट किया जाता है. कितने डिग्री सेल्सियस पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि बेस्ट हैचिंग परसेंटेज आए. अब इन एग्स से ब्लैक वॉर्म हैच होते हैं जिनको लार्वा या कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म भी कहते हैं. ये लार्वा मलबरी लीव्स को 3 से 4 हफ्ते तक खाती रहती हैं. अब हम देखेंगे इस फीडिंग पीरियड में होता क्या है, क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे. इस फीडिंग पीरियड में सिल्क वॉर्म 4 times सोता है आफ्टर ईच इंटरवल ऑफ 6 days. 6 days के इंटरवल पे वो 4 times होता है. 4 times मीन्स 24 hours हर एक टाइम्स होता है. जब ये सोता है इसके स्किन्स क्रैक करते हैं एंड जब वो जगता है एट दैट टाइम ये वॉर्म क्या करता है, अपने स्किन को शेड कर देता है. ठीक है, अपने ओल्ड स्किन को शेड कर गिरा देता है एंड उससे एक न्यू लार्वा निकलता है. तो ये जो प्रोसेस होती है स्किन शेड करने की, इसको क्या कहा जाता है? माउल्टिंग कहा जाता है. ओके, लार्वा ईट वोरासियसली, लार्वा खाता ही रहता है, कंटिन्यूस वो खाता जाता है एंड साथ ही साथ उसकी ग्रोथ भी क्या हो जाती है? फास्ट होती जाती है. कुछ टाइम के बाद लार्वा खाना बंद कर देता है, मीन्स लीव्स को खाना बंद कर देता है एंड ट्विक्स पे चढ़ जाता है. ट्विक्स क्या होते हैं? आप देखो इसमें लीव्स के जो ये वाली जो ब्रांचेस होती है ना, इसको ट्विक्स कहा जाता है. ठीक है, इन ट्विक्स पे वो चढ़ जाती हैं एंड वहाँ पे वो क्या करती हैं? ककून बुनना स्टार्ट करती है. ठीक है, अपने चारों तरफ क्या होती है? रेशम के धागे से अपने आप को बुनना स्टार्ट कर देती है, अपने आप को कवर करना स्टार्ट कर देती है. आइडियल कंडीशन में एक सिल्क वॉर्म इस ककून फॉर्मेशन को 1 week के अंदर कंप्लीट कर लेता है. मीन्स 1 week करीब करीब लगते हैं इस ककून को बुनने में एंड इस स्टेज को प्यूपा स्टेज कहा जाता है. क्लियर? अब ये जो ककून बना उसको कलेक्ट किया जाता है एंड उसकी प्रोसेसिंग की जाती है. अगर ककून को ऐसे ही छोड़ दिया जाए देन उससे प्यूपा क्या हो जाता है? मोथ के फॉर्म में कन्वर्ट होके बाहर निकल जाता है. ठीक है, ककून के अंदर क्या है? प्यूपा है. और अगर हम उस ककून को एज इट इज़ छोड़ देंगे तो वो प्यूपा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोथ में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड जब ये मोथ उस ककून से बाहर आएगा तो वो थ्रेड, जो रेशम का जो थ्रेड है, वो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा. क्लियर? अब कुछ सिल्क वॉर्म को क्या किया जाता है? उस ककून के अंदर में ही रहने दिया जाता है एंड उसको किस लिए यूज़ किया जाता है? ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. क्लियर है? अब जो सिल्क अनडैमेज्ड ककून से निकाला जाता है, द सिल्क इज ऑब्टेंड फ्रॉम अनडैमेज्ड ककून बाय अनरेवलिंग द ककून. अब अगर हमें अनडैमेज्ड सिल्क चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा? ककून को अनरेवल करना पड़ेगा, ककून को खोलना पड़ेगा, उससे हमें अनडैमेज्ड थ्रेड या सिल्क मिल जाएंगे. ठीक है, अब ये देखिए इसकी लाइफ साइकिल दी गई है. ये फीमेल मोथ जो हैं बहुत सारे अंडे देती हैं. ठीक है, ये देखो एग्स हैं. अब ये एग्स से क्या होंगी? ब्लैक वॉर्म निकलेंगी जिनको लार्वा बोलते हैं या कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहते हैं. दिस इज़ वो वॉर्म, जो ब्लैक वॉर्म जिसको बोला गया, यही है जिसको सिल्क वॉर्म भी कहा जाता है.
अब ये क्या करेगा, ये लार्वा या ये सिल्क वॉर्म क्या करेगा, इस लीफ को 3 to 4 वीक तक क्या करेगा, खाएगा। ठीक है, खाता जाएगा, कंटिन्यूस खाता जाएगा। एंड वो क्या करेगा, खाने के बाद वो अपना, जब वो खाना बंद कर देगा तो वो क्या करेगा, ककून बुनेगा अपने चारों तरफ। ठीक है, इस तरीके से ककून से अपने आप को कवर कर लेगा। क्लियर है? इस ककून के अंदर ही क्या होगा, वो जो प्यूपा है, ये जो ककून के अंदर जो है वो, दिस इज़ प्यूपा। अब ये ककून के अंदर ही प्यूपा डेवलप होके मौत में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरी तरीके से जब वो इसकी ग्रोथ पूरी हो जाएगी तो वो क्या करेगा, इस ककून को डैमेज करके, इस ककून को ब्रेक करके मौत बाहर निकल जाएगा। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।